बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, बहन फहमीदा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। गाजीपुर के महमदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शमीम अहमद समेत कई लोगों पर जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर FIR दर्ज थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने फहमीदा और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इन लोगों पर जमीन की हेराफेरी कर रजिस्ट्री कराने का आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा गया। फहमीदा की याचिका को सह अभियुक्त शमीम अहमद की याचिका के साथ पेश करने का निर्देश भी दिया गया। याची और कई अन्य के खिलाफ गाजीपुर के महमदाबाद थाने में धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोपों में FIR दर्ज कराई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति VK बिरला और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने फहमीदा की याचिका पर दिया है। याचिका फहमीदा का कहना है कि सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है, इसलिए याची की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। याचिका में दर्ज FIR की वैधता को चुनौती दी गई। अधिशासी अधिकारी मोहम्मदाबाद वीरेंद्र कुमार राव की तहरीर के अनुसार मोहल्ला काजी टोला वार्ड नंबर 6 में मेन रोड ZA सरकारी जमीन की अराजी तलाब के रूप में कागजों में दर्ज है। इसमें मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की सास के नाम दर्ज करा दिया गया है। ऐसा करने के लिए कागजातों में हेराफेरी की गई। बाद में यह जमीन मुख्तार अंसारी की बहन के नाम करा दी गई। फिर कुछ वक्त के बाद इस जमीन में प्लॉटिंग कराई गई। कुल 14 लोगों को जमीन के प्लॉट्स भेज दिए गए। भूमि के विवरण को टैक्स असेसमेंट रजिस्टर में भी दर्ज कर दिया गया है। शमीम अहमद मोहम्मदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन लोगों पर जमीन की हेराफेरी का रजिस्ट्री कराने का आरोप है। आरोप ये भी है कि बाद में व्यावसायिक लाभ के लिए मुख्तार के कहने पर प्लॉटिंग कर अवैध कब्जे की जमीन को बेच दिया गया।